Today I will explain you how to construct a cumulative frequency curve. संचयी आवृत्ति वक्र कैसे बनाया जाता है उसके बारे में मैं आज तुम्हें समझाऊंगा, जिसको ओजाई भी बोलते हैं. सपोज ये क्वेश्चन है, मार्क्स गिवन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी 0 to 5, 4 स्टूडेंट, 5 to 10, 6, इस तरीके से ये मार्क्स दिए हैं, क्लास इंटरवल दिया गया है और साथ में साइड में नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं. अब इनको कैसे कन्वर्ट करना है, किस तरीके से ओजाई बनाना है हमें, किस तरीके से फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, उसको समझ लें. उसके बाद में ग्राफ पे फिर ये लेस देन मोर देन फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा. सबसे पहले टेबल बनानी होती है, तो इसके लिए समझें, शुरुआत में जो गिवन है ये वाला क्वेश्चन है, 0 to 5, 4, ये डाटा दिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको कहेंगे. सबसे पहला काम है इसको लेस देन में कन्वर्ट करना, उसके बाद में मोर देन, दोनों समझ लें. लेस देन मोर देन में कैसे इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं. सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे हम, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, लेस देन में कन्वर्ट करेंगे. लेस देन 5 यानी कि 5 से कम लेने वाले कुल विद्यार्थी कितने हैं, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी. अब जो क्वेश्चन में था 0 to 5, 4 था, तो यहाँ पर लिख दिया 0 to 5, 4. लेस देन 5 यानी कि 5 से कम अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 4. ऐसे विद्यार्थियों जिन्होंने 0 से 5 तक अंक प्राप्त किए हैं वे 4 विद्यार्थी हैं, यहाँ पर 4 लिख दिया हमने. उसके बाद लेस देन 10, लेस देन में 10 में क्या होगा, 10 से कम लेने वाले, तो इसमें आ जाएगी 0 से 10. 0 से 5 4 थे और लेस देन 10 यानी कि 10 से कम लेने वाले, तो 4 पहले और 6 इसमें दे रखे हैं, 6 इसमें गिवन है दे रखे हैं, इसलिए 4 + 6 = 10 ये दे रखा. इसके सामने 6 है, पहले 4 थी फ्रीक्वेंसी, फिर 6, फिर 10, अगेन 10, ये ध्यान रखें. अब यहाँ दोबारा से समझने की कोशिश करें, अगर 5 से कम लिखना है तो ये 4 हो गए, अगर 10 से कम लिखना है तो लेस देन 10 हो गया, 4 + 6, ये दोनों इनका टोटल हो जाएगा, 4 + 6 = 10. लेस देन 15 में 10 वो और 10 ये, 10 10 20, इस तरीके से जोड़ते जाएंगे, यहाँ पर जो साइड में करके दिखा रखे हैं. अब यहाँ देखो, ये वो डाटा है जो क्वेश्चन में गिवन है, 4 6, इसके बाद 10, फिर दोबारा से 10, फिर 25 22 18 5, ये सारा जो राइट हैंड पे है बीच में, ये सारा गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी. अब हमें करना क्या है, इसको जैसे शुरू में था 4, तो 4 में 4 + 6 कर दिया, क्यों, क्योंकि इसमें 6 दे रखा है. अगला जो डाटा है वो 6 है, 4 + 6 = 10 यानी कि 10 से कम अंक लेने वाले विद्यार्थी हो गए 10. उसके बाद लेस देन 15, 15 से कम अंक लेने वाले विद्यार्थी, तो 10 यहाँ था और 10 इसके सामने है, 10 + 10 = 20. इसी तरीके लेस देन 20, 20 से कम लेने वाले विद्यार्थी, 20 ये कैरी फॉरवर्ड कर लो जो पिछला है उसके सामने आ जाएगा यहाँ 20, और 10 इसकी फ्रीक्वेंसी है, 20 + 10 = 30. इसी तरीके से आगे चलो, लेस देन 25 में जो ऊपर वाला था उसको कैरी फॉरवर्ड किया, आगे किया 30 + इसकी फ्रीक्वेंसी है 25, 30 + 25 = 55. नेक्स्ट लो, 55 कैरी फॉरवर्ड कर दिया, यहाँ पे लिख दिया और इसकी फ्रीक्वेंसी है 22, 55 + 22 = 77. नेक्स्ट चलो 77, ये कैरी फॉरवर्ड प्लस 18 फ्रीक्वेंसी गिवन दे रखी है, दोनों का टोटल किया 95. और लास्ट में लेस देन 40, 40 से कम अंक लेने वाले ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 40 से कम अंक लिए हैं वो 95 यहाँ था और 5 इसकी फ्रीक्वेंसी है 100, यानी कि सभी स्टूडेंट आगे, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने 40 से ज़्यादा अंक लिए हों, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है 100. इनका टोटल भी 100 था, साइड वाले क्वेश्चन में देख लें, इन सब जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये क्वेश्चन गिवन है, इन सब का टोटल 100. एक बार फिर समझने की कोशिश करें, अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ मैं. लेस देन 5, 5 से कम अंक लेने वाले ये, हर एक में ऐड करते चले जाओ, 10 से कम लेने वाले 4 ये और 6 ये, 4 + 6 = 10, फिर 15 से कम ये ऊपर का सारा +10 यानी 10 + 10 = 20, 20 लेस देन 20 में 20 हो जाएगा 10 ये, इस तरीके से ऐड करते जाएंगे लगातार, ये 30 हो गया और आखिर तक करते जाएंगे जब तक कि
जो ग्रांड टोटल है वो ना आ जाए हमारा, ये है लेस देन थ्री। उसके बाद दूसरा तरीका है इसमें मोर देन, दो तरीके से इसे बनाया जाता है ग्राफ पेपर पर। मोर देन में क्या करना होता है, मोर देन जीरो, जीरो से ज़्यादा लेने वाले, तो जीरो से ज़्यादा लेने वाले सभी होते हैं, जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं इन ए पर्टिकुलर क्लास, वो सारे के सारे क्लास में जितने भी विद्यार्थी हैं सारे जीरो से ज़्यादा लेने वाले हैं, तो मोर देन जीरो के सामने आ जाएगा ग्रांड टोटल 100, ये ध्यान रखें। मोर देन जीरो में शुरू में ग्रांड टोटल आएगा, उसके बाद मोर देन फाइव यानी कि पाँच से अधिक अंक लेने वाले, जिन्होंने पाँच से ज़्यादा लिए हैं, तो 100 यहाँ पे था, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ दे रखी है हर एक की, दूसरे नंबर पर मिडल में, बीच में ये फ्रीक्वेंसी है जो क्वेश्चन में गिवन है, बीच में, बीच वाली लाइन, तो 100 - 4 इजकल टू 96, इसमें से 4 लेस कर दिया 96, यानी के पाँच से ज़्यादा अंक लेने वाले 96 विद्यार्थी हैं। आगे मोर देन 10 वही कैरी फॉरवर्ड करते जाओ, 96 - 6 कहाँ से आया, ये दे रखी है इसकी फ्रीक्वेंसी, 96 - 6 इजिकल टू 90। नेक्स्ट चलो मोर देन 15, 15 से ज़्यादा अंक लेने वाले, ये कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 90 - 10 80, फिर ये कैरी फॉरवर्ड किया 80 - 10 70। नेक्स्ट लेस देन 25 में 70 - 25, 25 कहाँ से आया, इसमें ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है क्वेश्चन में, 25 गिवन है ऑलरेडी, 70 - 25 इजकल टू 45। अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ देख लें साइड में, ये रहा 25 दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी दी है, तो यहाँ इसे 70 - 25, ये 25 यहाँ से आया साइड में से देख लें, ये रहा। उसके बाद में 45 आ गया, 45 कैरी फॉरवर्ड किया -22, 22 कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा 22, 45 - 22 इजकल टू 23, 23 - 18 ये भी गिवन है साइड में देख लें क्वेश्चन में, 23 - 18 इजकल टू 5, 5 - 5 इजकल टू 0, लास्ट में 0 आ गया, क्योंकि बिल्कुल लास्ट में जहाँ पे 5 बच गया था, 5 में से 5 लेस करेंगे तो 0 आएगा, ये यहाँ तक क्वेश्चन को ले जाएंगे, ये हो गया मोर देन। अब करना क्या है, लेस देन मोर देन के अकॉर्डिंग तुम्हें ग्राफ पेपर पर इसको शो करना है। सबसे पहले ग्राफ पेपर इसमें शो करके दिखा रखे हैं, इधर हमने ले लिया मार्क्स ओ एक्स पे, ओ वाई पे ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट, इधर मार्क्स ओ एक्स पे और ओ वाई पे नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब हर एक उस तरीके से यहाँ पे 10 स्मॉल बॉक्स इजकल टू 1 क्लास इंटरवल, 10 स्मॉल बॉक्स ओ एक्स पे इजकल टू 1 क्लास इंटरवल, और इधर क्या करेंगे हम दूसरी तरफ ओ वाई पे, यहाँ भी उसी तरीके से कर लें, 20 स्मॉल बॉक्स इजकल टू 20 स्टूडेंट, उसी तरीके से कर लें, 20 स्मॉल बॉक्स इजकल टू 20 स्टूडेंट। तो इस तरीके से यहाँ देख करके जो हमारा ये फ्रीक्वेंसी आई थी क्यूमुलेटिव, वहाँ पर टिक करते जाएंगे, पॉइंट लगाते जाएंगे, शुरू में 0 - 5 से कम लेने वाले, लेस देन 5 कितने आए थे हमारे 4, लेस देन 10 में 10, लेस देन 20 में 30, लेस देन 15 में सॉरी 20, लेस देन 20 में 30, इसी तरीके से और आखिर तक चले जाएंगे लेस देन 40 में 100। तो इस तरीके से ये लाइन आ जाएगी। ओके, थैंक यू।